कार्स एंड ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू टीम को और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिलती रहे न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैरोफियत से। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में अगेन वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ, काफ़ी अच्छा टॉपिक है उन फ्रेंड्स के लिए जो ये सोच रहे हैं कि क्या हमें गाड़ी ऑटो लेनी चाहिए या फिर मैनुअल लेनी चाहिए। ऑटो और मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों में क्या फर्क है, कौन सी गाड़ी हमें सूटेबल है, किस रोड पे ऑटोमेटिक गाड़ी सही रहेगी, किस रोड पे जो है हमारे लिए मैनुअल गाड़ी सही रहेगी, तो बहुत से सवालात आपके जहन में जो होंगे। लेकिन ये सवालात आज मैं आपके ख़त्म करूंगा और काफ़ी तफसील से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है, ऑटो या फिर मैनुअल। और इस वीडियो में भरपूर तआवुन किया है मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बल्कि मेरे भाई हैं, ये दानिश भाई हैं, अटक सिटी से हैं। ये जो है इस वीडियो में, इस टॉपिक में उन्होंने मेरी भरपूर मदद की है और उन्होंने मुझे स्टील से स्टील इंफॉर्मेशन दी है इस वीडियो के लिए, तो मैं उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा। दानिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है इस टॉपिक में मेरी जो है भरपूर हेल्प की। और उसके बाद फ्रेंड, इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है जिसमें मैं गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक करने के तरीके और पुरानी गाड़ी कैसे लेनी है, न्यू गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है और रजिस्ट्रेशन पे जो एक्सपेंस आते हैं वो कितने हैं, वो क्योंकि गाड़ी के सीसी के हिसाब से होता है, तो इंशाल्लाह बहुत सी मालूमाती वीडियो आ रही हैं। और आप फ्रेंड्स के रिव्यू के भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं कि फलां गाड़ी का, भाई इंशाल्लाह करूँगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं गाड़ी तलाश करूँ और उस गाड़ी पर जाके स्पेशल वीडियो में आपके लिए एक रिव्यू बनाऊँ। बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आपको मैनुअल गाड़ी लेनी चाहिए या फिर आपको ऑटो ट्रांसमिशन वाली गाड़ी लेनी चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स देखते। जी तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार बेहतर है या मैनुअल ट्रांसमिशन वाली। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैनुअल कार ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार के मुकाबले में फ्यूल कम खर्च करती है। लोगों के इस यकीन के बावजूद कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार ज़्यादा पेट्रोल सर्व करती है, वो इस कार को आसान कंट्रोल और सेल्फ ड्राइविंग की वजह से तरजीह देते हैं। तहम फ्यूल इकोनॉमी की लिहाज से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। ऑटोमेटिक गाड़ियों की टेक्नोलॉजी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। जदीद ऑटोमेटिक गाड़ियों में अब 6 से 8 गेयर होते हैं। ज़्यादा गेयर का मतलब ये है कि हाई गेयर में शिफ्ट करते वक्त इंजन को हर शिफ्ट में ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार को मजमूई तौर पर रिफाइन किया गया है। पुरानी ऑटोमेटिक कार टॉर्क कन्वर्टर स्लिप होने की वजह से बहुत ज़्यादा पेट्रोल खर्च करती थी, जबकि जदीद ऑटोमेटिक कारों में ज़्यादा स्पीड होने पर टॉर्क कन्वर्टर लॉक हो जाता है जिससे वो स्लिप नहीं होता। फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि जब आप मोटरवे या हाईवे पर गाड़ी चलाएंगे तो फ्यूल कम खर्च होगा, लेकिन शहर के अंदर रश वाली जगहों पर ऑटोमेटिक कार मैनुअल कार के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल खर्च करेगी। ऑटोमेटिक कारों को अंदरूनी तौर पर इतना रिफाइन किया गया है कि इसके क्लच में रगड़ कम हो गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से कंट्रोल शुदा ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि इंजन ट्रांसमिशन और ब्रेक सिस्टम के दरमियान रब्त तल्लुक बहुत बेहतर है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल बहुत बेहतर और मुनासिब मकाम पर गियर को तब्दील कर देता है। जैसा कि कुछ ड्राइवर्स मैनुअल कार में तब्दील करते हैं, उसका मतलब ये है कि जदीद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में बहुत कम मकदार में एनर्जी ज़ाया होती है। अब आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कारों के फ़ायदे नुकसान बताता हूँ कि जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपके लिए कौन सी कार बेहतर होगी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारों के फ़ायदे ये हैं कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारें पिछले कुछ सालों से मैनुअल कारों के मुकाबले में मार्केट पे छाई हुई है, लेकिन इससे जहरी
पसंद के बावजूद ऑटोमेटिक कारें बहुत सी ड्राइवर्स की मनपसंद चॉइस नहीं है। ताहम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारें कई अहम फीचर्स और चीज़ों में मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कारों से बहुत बेहतर है। मैं यहाँ पर आपको चंद मिसालें देता हूँ। फ्रेंड्स, मार्केट में ज़्यादा वैरायटी में दस्तियाबी, ज़्यादा फीचर्स और जदीद मॉडल की ज़्यादातर कारें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में बैरून मुल्क बलखसूस जापान में तैयार होती हैं और वहाँ से पाकिस्तान इम्पोर्ट की जाती है, जिससे ख़रीदार के लिए अपनी मनपसंद कार लेने के लिए मार्केट में ज़्यादा वैरायटी दस्तियाब है। जबकि मैनुअल कार लेने वाले ख़रीदार के पास जो चॉइस होती है वो महदूद होती है। उसके बाद बाज ऑटोमेटिक कारों में गियर स्टिक डैशबोर्ड में होने की वजह से ड्राइवर सीट के साथ गुंजाइश ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ स्पेस ज़्यादा होती है, जिस पर ना सिर्फ इजाफी सामान आप रख सकते हैं बल्कि साथ में एक और ड्राइवर सीट के साथ एक दो आदमियों को मज़ीद भी आप बिठा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा टोयोटा पासो, होंडा फ्रेड, सुजुकी एवरी वगैरह में आपको जो है ये जो गियर होता है वो डैशबोर्ड में होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आसान ड्राइविंग किस में है। फ्रेंड्स, अगरचे क्लच को दबाना और गियर को तब्दील करना कोई ख़ास मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ड्राइवर को क्लच, गियर और ब्रेक पैडल के लिए बेहतर इस्तेमाल पर महारत हासिल होती है, जबकि ऑटोमेटिक कार को बहुत जल्द और आसानी से सीखा जा सकता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हैवी ट्रैफिक में आसान ड्राइविंग हमें मैनुअल दे रही है या फिर हमें ऑटो गाड़ी दे रही है। फ्रेंड्स, कार को चलाने, स्पीड बढ़ाने, स्पीड कम करने और रोकने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मजमूई तौर पर ये इतना काम कोई मुश्किल तो नहीं है, मगर हैवी ट्रैफिक में जहाँ गाड़ी को लगातार चलाना और स्पीड बढ़ाना मुमकिन नहीं होता, वहाँ ड्राइवर के लिए गाड़ी को बार बार रोकना चलाना मुश्किल अमल हो जाता है। इसके बरक्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार आपको ये सहूलत देती है। आप बंपर टू बंपर ट्रैफिक में भी सिंगल पैडल को दबाकर गाड़ी को बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पहाड़ी इलाकों में हमारे लिए कौन सी गाड़ी मौजू है। अगर आप कम तजर्बा कार ड्राइवर हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार आपके लिए पहाड़ी इलाकों और ज़्यादा चढ़ाई वाली जगह चलाना मुश्किल हो सकता है, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब आपने गाड़ी को मुकम्मल रोक लिया। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार आपका ये मसला हल करती है कि जिसमें आप बेहतर तरीके से मुश्किल चढ़ाई चढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टेयरिंग व्हील किसका बेहतर है और इसमें कौन सी कार जो है अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है। बहुत से नए ड्राइवर्स को ये सिखाया जाता है कि कार को महफूज तरीके से चलाने के लिए ड्राइविंग के दौरान अपने दोनों हाथ स्टेयरिंग व्हील पर रखें। ये उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार चला रहे हैं, जबकि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार में ये मुमकिन नहीं होता कि जिसमें बार बार गियर तब्दील करने की वजह से आप दोनों हाथ मुसलसल स्टेयरिंग व्हील पर नहीं रख सकते। ऑटोमेटिक कार में ये चूंकि गियर्स खुद खुद तब्दील होते हैं, लिहाजा आप कार के स्टेयरिंग व्हील को दोनों हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, कार को बार बार और अचानक रोकना ड्राइविंग में इससे ज़्यादा परेशान कौन और अजीब सूरत हाल क्या हो सकती है कि जब अचानक ट्रैफिक इशारा बंद होने या सामने कोई चीज़ आने की सूरत में आपको अचानक गाड़ी रोकनी पड़े, लेकिन ऑटोमेटिक कार में ये कोई मसला नहीं है, जबकि इसमें कोई टेक्निकी खराबी ना हो। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार के यहाँ पर मैं आपको भी जो कुछ फ़ायदे जो है वो मैं बता देता हूँ। वो लोग जो ड्राइविंग को इंजॉय करना चाहते हैं, गाड़ी में ड्राइविंग के अमल में ज़्यादा मुलव्वस होना चाहते हैं या गाड़ी को अपने ज़ेर कंट्रोल रखना चाहते हैं, वो मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार को पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें वो खुद गियर तब्दील करते हैं और उनको लगता है कि गाड़ी उनके मुकम्मल कंट्रोल में है। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार टेक्नोलॉजी के लिहाज से ऑटोमेटिक कार का मुकाबला नहीं कर सकती। इसके बावजूद भी वो इन फायदे की बिना पर बहुत से ड्राइवर्स की मन पसंद होती है। अब हम कुछ कीमत की बात कर लेते हैं कि जो है किस बजट में ऑटोमेटिक गाड़ी है और मैनुअल, और इसमें जो है हमें कितना डिफरेंस मिल रहा है। अगर आप बजट कार खरीदने जा रहे हैं तो हकीकत में ऑटोमेटिक और मैनुअल कार में कोई मुकाबला नहीं। अमूमी तौर पर एक मैनुअल कार आपको इसी मॉडल की ऑटोमेटिक कार से लाखों रुपए कम कीमत पर मिल सकती है। और फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार में जो मशीनरी इस्तेमाल की गई है, इसको सही तौर पर चलाने के लिए आपको इस पर काफी
खर्चा करना पड़ता है। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार को कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है और इसकी मेंटेनेंस रिपेयर का खर्च भी कम आता है। लेकिन एक चीज से बाखबर रहने की जरूरत है कि जो ऑटोमेटिक कार के मुकाबले में मैनुअल कार में परेशान कौन हो सकती है, वो उसका क्लच पैडल है। क्योंकि अगर क्लच पैडल खराब हो जाए तो ये सूरत हाल आपके लिए परेशान कौन हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि हमें बेहतर माइलेज कौन सी गाड़ी देती है। मजमू तौर पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार के मुकाबले में मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार का इंजन कम पेचीदा, कम वजन और ज्यादा केयर्स वाला होता है कि इसकी हमें केयर ज्यादा करनी पड़ती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि आप इसमें ऑटोमेटिक कार से ज्यादा माइलेज हासिल करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार 5 से 15% कम फ्यूल खर्च करती है। और अब हम सिक्योरिटी देख लेते हैं कि सिक्योरिटी हमें किस गाड़ी में अच्छी मिलती है, यानी कि चोरी का खतरा किस गाड़ी में हमें कम हो जाता है। हमारी सड़कों पर ऑटोमेटिक कारों की रोज बरोज बढ़ती तादाद की बदौलत हमारी नई नस्ल मैनुअल कार को सीखना और चलाना ज्यादा पसंद नहीं करती। लिहाजा इस बात का इम्कान हो जाता है कि कार लिफ्टर कार चोरी करते वक्त या कार वो आपसे जब छीनने वक्त तो मैनुअल कार की डिमांड कम होने की वजह से उसकी तरफ तवज्जो ना दे और ये चोरी से बच जाए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें बेहतर जो कंट्रोल सिस्टम है वो किस गाड़ी में मिलता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार को किसी भी सूरत हाल में खुद कार तौर पर गियर तब्दील करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन एहतियात पहलू से इसमें खतरे का रुझान भी हो सकता है कि वो ड्राइवर के मुकम्मल कंट्रोल में नहीं होती कि अचानक दरपेश आने वाली सूरत हाल में वो गियर को कम कर सके, जबकि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार में ड्राइवर का मुकम्मल कंट्रोल होता है। अब हम कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार ड्राइवर की तवज्जो और अमल दखल की जरूरत कम होती है, वो हद से ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, वो मोबाइल फोन या किसी दीगर सरगर्मी में मुलव्वस हो सकता है। रोड की तरफ इसकी तवज्जो कम हो जाती है जो कि हादसे का बाइस बन सकती है, जबकि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार ड्राइवर की ज्यादा तवज्जो की मोहताज, जिसकी वजह से वो अलर्ट रहता है। अब मैं आपको बताऊं कि मेरी राय क्या है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कारों में फीचर्स, मॉडल, डिजाइन, इंटीरियर, एक्सटीरियर और सहूलतों को मद्देनजर रखते हुए हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। उस चॉइस का तल्लुक आपके माली हालात, बजट, ड्राइविंग का अंदाज, रोड की कंडीशन और अच्छे मैकेनिक की दस्तियाबी से है। अब मसला यह नहीं है कि आप कौन सी ट्रांसमिशन वाली कार चला रहे हैं या कौन सी आपके लिए बेहतर है। मसला यह है कि आप कार कैसे चला रहे हैं। ड्राइविंग के अंदाज का असर कार की माइलेज और उसकी कारकर्दगी पर पड़ता है। अगर आप अच्छी माइलेज वाली मैनुअल कार को जारहाना अंदाज में चलाएंगे तो इससे कम माइलेज वाली ऑटोमेटिक कार के मुकाबले में आपको जो है फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था कि हमें कौन सी गाड़ी जो है हमारे लिए सूटेबल है, मैनुअल या हमारे लिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली। तो अब ये हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। मेरा काम था आप तक ये पहुँचाना और आपका काम है मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि बहुत से लोगों की हेल्प हो सके और मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब करना है। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कर लेना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।